अस्सलाम वालेकुम, यम्मी कुकिंग रेसिपी से वेलकम। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज जो है मैं आपको बना सिखाऊंगी रेशमी चिकन मसाला रेसिपी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेढ़ पाव हमने यहाँ पर जो है चिकन ले ली है। टमाटर है यहाँ पर हमारे पास 2 अदद, इनको इस तरीके से कट कर लिया था हमने। यहाँ पर जो है हमने 1 टीस्पून जो है हरा धनिया ले लिया है, 1/2 टीस्पून यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है, 1 टीस्पून यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून जो है हमने यहाँ पे ज़ीरा ले लिया था, इनको हमने पीस लिया है, और 1/2 टीस्पून जो है पिसी धनिया है हमारे पास। यहाँ पे प्याज है हमारे पास 2 अदद मीडियम साइज़ की, और ग्रीन चिलीज है हमारे पास 5 अदद, इनको इस तरीके से हमने यहाँ पर कट कर लिया है। बादाम ले लिए यहाँ पर हमने, और यहाँ पे दही है हमारे पास 4 टेबल स्पून। यहाँ पे जो है 1/2 टीस्पून गरम मसाले का जो हमारे पास पाउडर है। क्रीम है यहाँ पे हमारे पास, ये भी हमारे पास तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर है। ओलपर्स की क्रीम ली थी हमने, और यहाँ पे जो है 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट है, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट है, और नमक लेंगे हंस पे ज़रूरत। तो चिकन में जो है हम दही ऐड कर देंगे। तो अब इसके अंदर हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें और ब्लैक पेपर पाउडर हम ऐड कर देंगे इसमें, ये तीनों मसाले, और इनको जो है हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमने इसको अच्छे तरीके से जो मिक्स कर लिया है। अब इसे हम 1 घंटे तक के लिए जो है मैरिनेट कर लेंगे। तो देखिए 1 घंटे के लिए जो है हमने इसको मैरिनेट कर लिया था। इसके अंदर जो है हमने 1/2 कप जो है ऑयल ऐड करा था। तो जो हमने चिकन को जो मैरिनेट कर लिया था वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। इनको जो है हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमने जो इसको 5 मिनट तक जो अच्छे तरीके से जो है पका लिया था। अब इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इनको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमने इसको 5 मिनट तक जो अच्छे तरीके से जो भून लिया था। अब इसके अंदर हम प्याज और हरी मिर्च ऐड कर देंगे, और इसी के साथ इसमें हम टमाटर भी ऐड कर देंगे, और इसी के साथ हम इसके अंदर नमक भी ऐड कर देंगे हंसब ज़रूरत। इनको मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने जो इसको 10 मिनट तक जो है पका लिया था। अब इसके अंदर हम 1 कप पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारी चिकन जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमने इसको जो है 15 मिनट तक जो पका लिया था। अब इसके अंदर अपने बाकी के जो ये वाले मसाले ऐड कर देंगे जो हमने ये रख दिए थे, पिसी धनिया, ज़ीरा, और यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च है, कर लेंगे। तो अब इसके अंदर जो है हम क्रीम ऐड कर देंगे, इनको जो है हम मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने इनको जो 2 मिनट तक जो पका लिया था क्रीम ऐड करने के बाद, अब इसके अंदर हम गरम मसाले का जो हमारे पास पाउडर है वो ऐड कर देंगे, इनको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमने जो है इनको 5 मिनट तक जो पका लिया था, इसके अंदर बादाम ऐड कर देंगे, हमने जो है इसको थोड़ा सा क्रश कर लिया था, इनको मिक्स कर लेंगे, और जो है ये बिल्कुल रेडी है, सब निकाल लेंगे। तो देखिए हमारे मज़ेदार से जो आज की रेसिपी है रेशमी चिकन कढ़ाई की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। हरा धनिया जो है हमने इस तरीके से ऊपर से गार्निश कर दिए। तो आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह अब मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।